आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। मसूरी वन प्रभाग द्वारा 8वां उत्तराखंड वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन विनोग हिल मसूरी वन्य जीव बिहार में 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के पक्षी प्रेमियों के साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं यहां के पक्षियों से रूबरू होगी और साथ ही इससे जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं स्थानीय लोगों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। तो वहीं प्रकृति प्रेमी इस स्थान से उत्तराखंड के पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विनोग हिल मसूरी वन्य जीव विहार में लगभग 230 प्रकार के पक्षी विचरण करते हैं। माउंटेन क्वेल के संरक्षण के लिए भी ये आयोजन किया जा रहा है। माउंटेन क्वेल दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है जो लगभग विलुप्ति के कगार पर है। प्रभागीय वन अधिकारी अमित कंवर ने बताया कि पहली बार वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन पहाड़ी क्षेत्रों में किया गया है, इससे पहले ये आयोजन मैदानी क्षेत्रों में ही होते हैं। इस फेस्टिवल से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों के पक्षी विशेषज्ञ भी पहुँच रहे हैं। जो है उत्तराखंड का 8वां बर्ड फेस्टिवल है जो 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तीन दिनों के लिए जो है विनोग जो मसूरी वन्यजीव विहार का जो हिस्सा है वहाँ पे मनाया जा रहा है। ये एक स्टेट लेवल का फेस्टिवल है जिसमें जो है अलग राज्यों से भी जो है काफ़ी लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसमें जो है स्थानीय लोगों को भी जो है एक प्रशिक्षण के रूप में भी जो है बर्ड वॉचिंग जो हमारा क्षेत्र है उसके क्रम में जो है उनको भी प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा जो है अपने जो उनके एक्सपीरियंस है या किस तरह से उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में बर्ड वॉचिंग के क्षेत्र में जो है आयाम नए हासिल किए हैं उस बारे में भी एक्सपीरियंस शेयरिंग जो है वो भी किया जाएगा। इसमें जो है हमारा फोकस स्कूलों पर भी है। अभी तक लगभग 12-13 स्कूल्स हैं जिन्होंने कन्फर्म किया है और स्कूल्स के बच्चों का भी इसमें जो है पार्टिसिपेशन होगा, जिनके लिए मेन एक्टिविटीज़ जो है उसमें प्लान की गई है। पर्यटन भी क्योंकि जो है ये बर्ड वॉचिंग जो चीज़ है वो डायरेक्टली लिंक्ड है पर्यटन से, और कहीं ना कहीं कोई बर्ड वॉचर अगर आता है तो बर्ड वॉचिंग के साथ साथ जो है वो पर्यटन की जो अन्य सुविधाएँ हैं उसका भी जो है वो यूज़ करता है, तो इसको देखते हुए भी जो है ये बहुत ही हेल्पफुल है पर्यटन की दृष्टि से। इसमें हमने जो है जो लोकल होटलियर्स हैं या जो होटल एसोसिएशंस हैं उनके साथ भी एक जो है एक्सपर्ट टॉक्स जो है उसमें रखी हैं, जिससे किस तरह से बर्ड वॉचिंग जो है उनके काम आ सकता है या लोकल लोगों को जो है उसका लाभ दे सकता है, इस बारे में भी जो है उसमें मंथन किया जाएगा। अभी जो हमारा ये मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका जो जिसको जो सेटअप किया गया था ये माउंटेन क्वेल एक चिड़िया थी उसके संरक्षण के लिए किया गया था, जो लगभग काफ़ी सालों से जो है दिखाई नहीं दी है, तो एक प्रयास ये भी रहेगा कि उस चिड़िया को भी जो है दोबारा से ढूंढा जाए। और अभी जो ईयरली इवेंट्स जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होते ही हैं उसमें जो नंबर्स अभी हमारे पास हैं वो लगभग 230 बर्ड स्पीशीज़ का है जो वहाँ पे रजिस्टर करती हैं, तो इस बर्ड फेस्टिवल के बाद भी हमें उम्मीद है कि और भी बर्ड स्पीशीज़ जो है वहाँ पर निकल के आएंगी और एक नए जो है हम हो सकता है नई प्रजातियां भी जो है हमारे सामने आए। सरकार क्योंकि बीच में कोविड समय था तो बर्ड फेस्टिवल्स जो हैं 2012-13 से इसकी शुरुआत हो गई थी जो राज्य स्तर पे हैं, लेकिन कोविड के चलते जो है वो बर्ड फेस्टिवल नहीं हो पाए, तो ये इस जो है कोविड पीरियड के बाद अगर माने तो ये पहला ही बर्ड फेस्टिवल है जो उत्तराखंड राज्य में जो है वो राज्य स्तर का इसको जो है वो मनाया जा रहा है। और इसमें खास बात ये भी है कि सभी बर्ड फेस्टिवल्स हमेशा जो है प्लेन एरियाज में ही मनाए गए, तो ये पहली बार हो रहा है कि किसी पहाड़ी क्षेत्र में जो है एक बर्ड फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है, जो इस क्षेत्र को भी आगे करेगा और जो इसकी फ्यूचर जो पोटेंशियल है उसमें भी काफी हेल्पफुल रहेगा। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।